friends, welcome to AB Videos. फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक स्पेशल रेमेडी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही काम की रेमेडी है। सर्दी शुरू होते ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे सर्दी, खांसी, गला खराब शुरू हो जाती हैं। इन प्रॉब्लम्स को हम बिना किसी दवाई यानी बिना किसी मेडिसिन के दूर कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमें खांसी इतनी ज्यादा आती है कि हमें कुछ मिलता नहीं है कि इंस्टेंटली हम क्या लें जिससे कि ये रुक जाए। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट खांसी को रोकने वाली रेमेडी शेयर करूंगी, तो देख लेंगे इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। फ्रेंड्स इसके लिए हमें ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। एक मैंने लिया है यहाँ पर अदरक का टुकड़ा इतना, और एक चाहिए होगा हमें शहद। इन दो चीजों से ये इंस्टेंट खांसी ठीक करने वाली रेमेडी बन जाती है। ये अदरक के पीस को हम बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए अदरक के टुकड़े को मैंने ग्रेट कर लिया बारीक वाले ग्रेटर से। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से छन्नी में डाल लेंगे। बेसिकली हमने अदरक का जूस निकालना है, इसको हम इस तरह स्पून की हेल्प से प्रेस करेंगे तो इसका जूस निकल आएगा। ये देखिए ये अच्छे से इसका जूस निकल आया। फ्रेंड्स रेमेडी के लिए हमें खाली जूस चाहिए। ये जो अदरक बचा हुआ होगा इसको हम किसी भी सब्जी में या चाय में डालने के लिए यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम 2 चम्मच शहद ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा सिरप रेडी हो गया। जब भी कभी हमें बहुत ज्यादा खांसी आ रही है और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही तो हम इसको बना के झट से ले सकते हैं, बहुत ही आराम मिलता है। जो ये शहद है ये एक गले में कोटिंग का काम करता है, गले को बिल्कुल नरिश करता है। ये देखिए अगर बड़ों ने लेना है तो 1 टीस्पून हम फुल लेंगे, और अगर हमें छोटे बच्चों को देना है तो 1/2 टीस्पून। इस तरह से हम ये रेमेडी यानी सिरप ले सकते हैं, तो ट्राई कीजिए आप भी इस तरह से। फ्रेंड्स कफ और कोल्ड को दूर करने का नुस्खा यानी बेसन वाला दूध भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपको सर्दियों में जुकाम की प्रॉब्लम आए तो आप वो रेसिपी देख सकते हैं, वीडियो की एंड में एंड स्क्रीन लगी है उसकी, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट एक और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।